माँ चंडी देवी के लिए हमारी उड़न खटोला यात्रा आरंभ हुई। ये देखिए सामने कुमकुम जी और मुकुंदा जी बैठे हैं। कितना बढ़िया पहाड़ों का व्यू आ रहा है। ये हाइट पर है तो ये थोड़ा स्लो जा रहा है। मनसा देवी वाला बहुत स्पीड में जा रहा था, चंडी देवी वाला जो उड़न खटोला है वो थोड़ा स्लो जा रहा है। मुकुंदा का फर्स्ट एक्सपीरियंस है रोप वे पे। ये देखिए कोहरे के अंदर पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। दोपहर के करीब ये 2 बजे का समय है, 1.5 से 2 बजे का, और इस समय आप मौसम देखिए एकदम कोहरा हो रहा है, सर्द हवाएं, एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये ऊपर से देखिए रोप वे आ रहे हैं। एरियल व्यू बहुत ही शानदार, एक एडवेंचर वाली जर्नी, लेकिन इस ठंड में भी इसका अलग ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। चंडी देवी वाला बहुत लंबा है। अच्छा, ये मुझे लगा था ये थी रोपे ना अंकल। ये दोनों है। दोबारा से कोविड के वजह से ये मास्क अलाउ दोबारा से कर दिया है, मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है। अच्छा भी है, ठंड में ना जुकाम भी होगा। ये देखिए इस तरह जीने चढ़कर अब माँ चंडी देवी की यात्रा हम आरंभ करते हैं। उड़न खटोले से ऊपर आए हैं, आगे की यात्रा थोड़े से जीने चढ़कर है। यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें। ये देखिए यहाँ से बाहर इस तरह से लोग यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं कि यही आखिरी स्टैंड है, लेकिन आप आगे तक आराम से जा सकते हैं। ये माता रानी का प्रवेश द्वार है, चंडी देवी का मंगल द्वार। लग रहा है मंदिर आज बहुत कम रश है। जय माता रानी की जय, जय माता रानी की जय, जय माँ चंडी देवी, जय माता रानी की जय। दर्शन कीजिए माता रानी के। जी आपका परिचय? मेरा नाम पंकज रतुड़ी और मैं यहाँ पे पुजारी हूँ चंडी देवी में। और माँ चंडी देवी यहाँ पे 2 रूप में विराजमान है, एक स्वयंभू प्रकट है भगवती रुद्र चंडिका है, जो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी रुद्र चंडिका। हाँ जी। और ये बीच मध्य में जो है मंगल चंडिका है। आदि गुरु शंकराचार्य जब 8वीं शताब्दी में आए थे उन्होंने मंगल रूप में मंगल चंडी की पूजा करी। जब हम रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं तो आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी कष्ट हो इनका ध्यान करते हैं रुद्र चंडिका। ओम काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वनंदन करिए देवी नारायणी नमस्ते। भगवती रुद्र चंडिका ही जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडा जय भूतारिणी जय सर्वगति देवी काल रात्रि नमस्ते। और मंगल चंडिका मनोरंजन जब इनका ध्यान करते हैं मनोकामना के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए मंगल रूप में मंगल चंडिका पूजा होती है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी तो या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्था नमतस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमतस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमतस्यै नमः। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी जय माता रानी। जय माता रानी की जय। काल माता जब नवरात्रि चलते हैं तो सप्तमी के दिन और चतुर्दशी के दिन यहाँ पे आवाज भी आती है, शेर की, और
आस पास ही होते हैं, माता का वाहन है। नवरात्रि में आती है हर दिन? नहीं, नवरात्रि यात्रियों ने देखा, श्रद्धालु उन्होंने देखा रास्ते में, कई बार उनका आवाज़ जो आती है उनकी भगवानी की आवाज़ को कहीं सुना है, सब कहीं से कभी सुना है। जय माता दी, माता रानी का शेर। जय मां अन्नपूर्णा। जय बजरंगबली। मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी दर्शन करिए। जय बजरंगबली। अब हनुमान जी की माता अंजनी देवी के मंदिर का रास्ता, यहाँ पे जहाँ पे ये उड़न खटोले से जहाँ चंडी देवी के लिए, एक तरफ चंडी देवी की यात्रा है, मंदिर है 100 मीटर पे, और करीब यहाँ से ही 100 मीटर पे दूसरी तरफ अंजनी देवी का मंदिर है। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। जय बजरंगबली, जय माता अंजनी देवी की जय। ये माँ अंजनी देवी का मंदिर है। जय बजरंगबली, जय माँ संतोषी। बजरंग बली के दर्शन कीजिए मंगलवार को। माँ संतोषी के दर्शन कीजिए। बंदर बहुत हैं, सावधान रहें। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय भोले बाबा। जय माँ काली की जय। काली माता के दर्शन कीजिए। आज हम आए अंजनी माता के मंदिर, मनसा देवी चंडी देवी मंदिर के पास। पंडित जी, इस मंदिर का कुछ महत्व बताएंगे। जय श्री राम। जहाँ पे आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, हमारे श्रीमान, आपका शुभ नाम मान लो विशाल, विशाल जी के माध्यम से कि ये माता अंजनी देवी की तपस्थली है। जब माता अंजनी देवी ने तपस्या करी और तपस्थली के साथ इसी स्थान में माता जी के गर्भ में स्वयं विष्णु भगवान द्वारा ब्राह्मण वेश में गुरु मंत्र इसी स्थान में दिया गया, और माता जी के गर्भ में हनुमान जी की उत्पत्ति भी इसी स्थान में हुई है। जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के, जो सामने आप दर्शन कर रहे होंगे, ये शांत मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए दर्शन जो आपके हो रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप इसके माध्यम से, इनके माध्यम से दर्शन करें। शांत मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, जैसे कई जगह हनुमान जी का दर्शन दिखाया गया है, उड़ते हुए हैं, चलते हुए, यहाँ शांत मुद्रा में गदा नीचे हुए हैं। और माता जी के दर्शन भी अगर आपने कंजरी माता के किए होंगे, वहाँ भी माता जी के बाल रूप में हनुमान जी उड़ते हैं। ये कितना पुराना मंदिर है माता अंजनी देवी? यहाँ जो है, जो भी हमारे शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा ये कार्य किया गया है, तो ये जो है 1857 के ईस्वी के लगभग से मंदिरों का कार्य शुरू हुआ था। उनके द्वारा ये मंदिरों का यहाँ हुआ। तपस्थली माता की है, तो वो तो जो आपका ये इसमें कहता में है, इसके माता जी यहाँ मतलब जीर्णोद्धार अभी हुआ। जीर्णोद्धार, हाँ, थोड़ा पहले अभी कुछ सालों में ही, अब दो चार आवागमन, दो चार लोगों का आना जाना होता है, दो चार जो कुछ धन इकट्ठा होता है उस सब आप ही के द्वारा होता है। दो से चार, चार से चार दीवार आएंगे आप, फिर भगवान ने चाहा थोड़ा और परिवर्तन मिलेगा। जब बनो सजीवन में इतना परिवर्तन हम कर सकते हैं। देव पूजन के लिए भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था ऐसी कि हम इसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान दे सके, जिसके कारण ये आगे बढ़ता रहेगा। जय श्री राम। श्री राम, आपका शुभ नाम पड़े? मैं बनेश।
हाँ जनपद के हैं हम। अच्छा जी, ठीक है। जय श्री राम। डर गए हम। मुकुंदा एकदम, अरे तो फिर रुक गया, बीच हवा में लटका दिया, लाइट जा रही है बार बार रोक बे की, और इस तरह से रोक दिया जाता है। बस तेजी से लाइट आ गई है रोक बे की, अब रोक बे चल गया है। लग रहा है हल्का हल्का, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये देखिए पैदल चलने की भी यात्रा है यहाँ पर, आप पहाड़ों पर चलकर भी आ सकते हैं। देखिए कैसा व्यू है एकदम पहाड़ों पे। अभी एग्जिट पॉइंट आ गया है, यहाँ पे रोप वे की जर्नी समाप्त होती है। उड़न घटोले से यात्रा समाप्त होने के बाद इस तरह से हम गाड़ी से अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर जाएंगे, ये गाड़ी हमें वहीं ड्रॉप करेगी, वहाँ पर आज की हमारी यात्रा समाप्त होगी मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर की। जय माँ मनसा देवी, जय माँ चंडी देवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।